हम अत्यंत सौभाग्यशाली हैं कि माँ भारती के सपूत अमर शहीद भगत सिंह की जयंती के पावन अवसर पर आयोजित संगीतमय सुंदरकांड कोरोना योद्धा सम्मान एवं शहीद भगत सिंह की जन्म जयंती के इस गरिमामय आयोजन में सहभागी बनने का अवसर मिला। उक्त विचार सिख समाज के विकास समिति नीमच के सचिव सतपाल सिंह छाबड़ा द्वारा स्कीम नंबर 34 स्थित शीतलेश्वर बालाजी मंदिर पर जन जागरण सर्व समाज के तत्वाधान में आयोजित हो रहे 31 श्रृंखलाबद्ध आयोजन के 18वें संगीतमय सुंदरकांड व कोरोना सम्मान समारोह में उपस्थित बच्चों मातृशक्ति व सर्व समाज को संबोधित करते हुए व्यक्त किए। सर्व समाज को एक साथ जोड़कर चलना व समाज प्रमुखों से कोरोना योद्धाओं का सम्मान करवाना बहुत ही नेक कार्य है। नीमच नगर के 31 हनुमान मंदिरों पर श्रृंखलाबद्ध आयोजन से जन समुदाय में धार्मिक वातावरण के साथ साथ देश प्रेम की भावना भी जागृत हो रही है। धर्म प्रवाह की यह गंगा आज स्कीम नंबर 34 में शीतलेश्वर बालाजी मंदिर पर संगीतमय सुंदरकांड पाठ के रूप में अवतरित हुई है। इस अवसर पर निरंजन देव नरेला ने भी संबोधित करते हुए कहा कि मंदिर व देवालय हमारे संस्कार व संस्कृति के केंद्र हैं। आज शहीद भगत सिंह की जयंती के अवसर पर बालक बालिकाएं आज़ादी के महानायकों व महापुरुषों की वेशभूषा धारण कर कार्यक्रम में सहभागी हुए हैं। हम उन महानायकों के विचारों को भी आत्मसात करने की आवश्यकता है। बच्चे बड़े उत्साह के साथ बाल हनुमान, भारत माता, शहीद भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, सुखदेव, चंद्रशेखर आज़ाद, सरोजनी नायडू आदि महानायकों की वेशभूषा में प्रतियोगिता में सम्मिलित हुए। सभी विजेता व प्रतिभागियों को उपस्थित अतिथिगणों द्वारा पुरस्कार वितरण किया गया।